बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ अर्निंग एंड नॉलेज वर्ल्ड में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए खिदमत में हाजिर हूँ एक बेतहाशा एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो के साथ, और बहुत ही काम की वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है उर्दू में थंबनेल बनाने में, या उर्दू आप जब लिखते हैं तो उसके लिए आप ज़रूरी कर दिया गया है कि भाई आप लोग फोटोशॉप सीखें, एडिटिंग सीखें, उसके बाद ही आप लोग जो है उर्दू में थंबनेल बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके लिए एक अमेजिंग सी चीज़ लेकर आया हूँ जो आप अपने स्किल यूज़ करके ईजली थंबनेल बना सकते हो। ये मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, परेशानी खत्म, खुशखबरी एंड सो ऑन। इस तरह खुशखबरी न्यू यूट्यूबर्स के लिए, ठीक है, अब व्यूज ही व्यूज एंड सो ऑन, अब खुद की फ्री वेबसाइट। आप ये मेरी देख रहे हो, ये मेरी खुद की बनाई हुई है, लेकिन मैंने कोई फोटोशॉप यूज नहीं किया। मैं बार बार बता रहा हूँ आप तमाम लोगों के लिए, लेके आया हूँ। फोटोशॉप अगर नहीं आता तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे आप चैनल्स में देखें, मैंने फोटो एडिटिंग भी करना सिखाई है। आप इस तरह इमेज को कट एंड पेस्ट करके किसी भी थंबनेल के साथ अटैच कर सकते हो, एकदम जेन्युइनली व्यू, जेन्युइन व्यू आपको नजर आएगा। कोई इतनी आसानी से उसको व्यू पकड़ भी नहीं सकता कि भाई ये जेन्युइन है या नहीं है। तो आपको मैंने सारी चीज़ सिखाई है। चैनल की वीडियोस को जरूर आप देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से लाइक करें वीडियो को, और इस वीडियो को अगर आप कुछ गेन करो तो जरूर शेयर करना। बहुत ही अमेजिंग चीज़ लेकर आया हूँ कि आप उर्दू में किस तरह टाइप कर सकते हो टेक्स्ट को विदाउट फोटोशॉप, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं अपनी एक वेबसाइट पे जाता हूँ, ये कन्वे के नाम से वेबसाइट है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है कि अपना मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि कहाँ से, इसका लिंक भी मैंने दिया हुआ था डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो मेरा प्रीवियस लेक्चर में या पहले मैंने आपको बताया हुआ है। आप मेरे जो है वीडियोज़ में जाके इसको सर्च आउट कर सकते हो, इसके बारे में बेहतरीन वेबसाइट है थंबनेल बनाने के लिए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड सेट करता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। तो मैंने ये एक बैकग्राउंड सेट कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एक टेक्स्ट पे क्लिक किया और टेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं उर्दू में टाइप कैसे करूँगा, मुझे तो फोटोशॉप आता नहीं है, तो मैं उर्दू में कैसे टाइप करूँगा। तो मैं लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैंने सर्च किया इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश उर्दू, ये मेरे नीचे इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी पे मैं क्लिक करूँगा, ये मेरी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से मैं सिंपल जो है उर्दू सेलेक्ट कर लूँगा, उर्दू, ठीक है, उर्दू मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सपोज के जो लाइन है खुशखबरी, ठीक है, उर्दू लिखें, ठीक है। ये अगर मेरे पास लाइन है तो मैं किस तरह लिखूंगा, खुशखबरी कैसा लिखूंगा, जैसे हम लोग रोमन मैसेजिंग या टेक्स्ट वगैरह करते हैं वही मैं लिखूंगा, उसी तरह मैं लिखूंगा खुशखबरी, KHUSH, खुश, KHUB, खूब, खब, KUB, खब, और खुश खब, KHUS, खुश, KJB, खुशखबरी, ठीक है। ये आ गया खुशखबरी, ठीक है, KHUS, खुश, KJB आ रही, ठीक है, खुशखबरी, गुड न्यूज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा आ रहा है, ठीक है। इसमें मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे आ गया खुशखबरी, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, Ctrl+C करूंगा, यानी कॉपी करूंगा और जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जहाँ पे थंबनेल में बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आ गया खुशखबरी, इसको मैं बड़ा करूंगा तो ये एक फॉन्ट साइज में आ गया। इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, जिस तरह आप इजी आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, आप उसे कर सकते हो। ये यहाँ से फॉन्ट साइज में सिलेक्ट कर लूंगा, लाइक 120 में कर लेता हूँ, इससे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 104, 96, 96 आई थिंक, ठीक है, 96 मैंने कर लिया, और यहाँ से मैंने इसको पकड़ के अपने हिसाब से सेट कर लिया, ठीक है, खुशखबरी, ठीक है, उर्दू लिखें, ठीक है। अब मैं उर्दू यहाँ पे किस तरह लिखूंगा, वही रोमन में URDU, उर्दू, उर्दू पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे उर्दू आ जाएगा। यहाँ पे मैं Ctrl+C करूंगा और वहीं पे जाके जहाँ पे भी, यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगा, तो ये आ गया आपका उर्दू, ठीक है, खुशखबरी उर्दू। यहाँ पे अपने हिसाब से अलाइनमेंट कर दूंगा, जो भी सेटिंग होगी वो मैं कर दूंगा, उर्दू लिखें, तो लिखे मैं किस तरह लिखूंगा, वही रोमन में LIKHAYAY लिखें, लिखें, ठीक है जी, ये लिखें आ गया। AE आप थोड़ा बहुत फर्क करके देखोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखिए इस तरह कुछ लिखा आ रहा है, ठीक है। ई करके देखिए क्या आ रहा है, लिखिए आ रहा है, तो इस तरह आप चेंजिंग थोड़ी सी करके आप उसको अपने साथ सेट कर सकते हो। उर्दू तो आपको आती है इसलिए लिखें, ठीक है, उर्दू लिखें, खुशखबरी उर्दू लिखें। यहाँ पे फिर मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, Ctrl+V कर दूंगा, उसको उससे अपने हिसाब से फॉन्ट बढ़ा लूंगा, और देन उसके बाद उसको मैं करूंगा मूविंग ऑफ करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ पे हिसाब से अपने में टेक्स्ट को सेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, उसके बाद अपने हिसाब से जिस तरह का आपका बैकग्राउंड उस हिसाब से आप उसको लाइट या डार्क कलर दे दें। मैं यहाँ पे जिस तरह कर लेता हूँ, येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ,
और इसको मैं डार्क कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये कितना बेहतरीन से उर्दू लिखी गई है। उसके बाद आप तमाम जो सी अपने इमेजेस वगैरह जो भी चीज़ आप लगाना चाहते हो लगाएं, आप उसके हिसाब से बेहतरीन से थंबनेल बनाएं। ना ये मतलब जो लिखाई है, ना ये जो सब फटेगी तस्वीर, ना ही जो सी इसकी विजिबिलिटी में कोई, ना ही ये तस्वीर जो सी विजिबिलिटी में कोई आपको कमी देगी। लिखा हुआ भी सही हुआ, बस टाइम ऐसा होता है सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं मोबाइल के ऊपर, उसके ऊपर उर्दू में लिख तो लेते हो लेकिन जब आप वो यूट्यूब पे किसी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हो तो तस्वीर जो सी है वो ब्लर होना शुरू होती जो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल जो सा परफेक्ट है यूट्यूब के लिए ही है। आप लगाएं इसे यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला आपको जो सा बेहतरीन जो सा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसको आप यूज़ करें, उम्मीद करता हूँ कि आज की आपने इस वीडियो से कुछ गेन किया होगा। अगर आपने कुछ गेन किया तो दोस्तों ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।